आज एक गफिक बायोसाइंस लिमिटेड को अपडेट लेके आया था। आज 2 अप्रैल 2019 है, आज मंगलवार का दिन है और यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक तेज़ी, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है और वॉल्यूम भी 1,75,000 का हो रहा है और डिलीवरी भी देखेंगे तो इसमें लास्ट 76,000-51,000 की हो रही थी, तो अभी आज डबल से वॉल्यूम भी हुआ रहा है इसमें। और कहीं ना कहीं अगर इसमें अगर डिलीवरी पैटर्न भी देखें तो जाकर के ये कहीं ना कहीं 54%, 36%, 46%, 54% का हो रहा है। अगर फाइनेंशियली बात कर ले तो मार्केट कैप 641 करोड़ है, पी रेशियो 33 है, थोड़ा सा ज़्यादा है इंडस्ट्री पी से, इसके लिए थोड़ा पिटाई हुआ था इसका। बुक वैल्यू 6.88 है, डिविडेंड यील्ड देती है, मतलब डिविडेंड देती है मतलब अच्छी कंपनी है, फेस वैल्यू 1 रुपया का है, डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं देती, देती है इसलिए मैं मान रहा हूँ कि अच्छा है। और सबसे अच्छा क्या है, इसका शेयर होल्डिंग परसेंटेज जो है, शेयर होल्डर का जो पोर्शन है वो अच्छा है, 60.5.75। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड ने अपनी पोजीशन को बढ़ाई है, तो ये एक अच्छा पैटर्न है। अगर मैं आपको रिटर्न की बात करूं तो 1 डे 1 वीक 1 मंथ रिटर्न 14% का ऑलरेडी दे चुका है ये, और 2 ईयर पहले इसका रिटर्न 31% था, 1 ईयर देखें तो 17% निगेटिव है, और 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 10 ईयर देखें तो अच्छा रिटर्न परसेंटेज भी दे रहा है। और कहीं ना कहीं अगर इसमें ये क्या है, तो गफिक बायोसाइंस लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन, केमिकल्स एंड बायो बोटिकन प्रोडक्ट्स में। इसका जो 52 वीक हाई है वो है 164 रुपये, लो है 65। और अगर देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 33% है, कैपिटल एम्प्लॉयड 32% है, डेप्ट जो है 79 है, उसको कवरेज के लिए 4.28 टाइम्स है पैसा, प्राइस टू कैश फ्लो थोड़ा निगेटिव है, सस्ता दिख रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 9.85 है, ये भी सस्ता दिख रहा है। मार्केट कैप के कंपेरिजन करें तो 1.88 अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42 करोड़ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12.54 है, तो डिविडेंड पोर्शन जो है बहुत कम है बट डिविडेंड देता है, और सेल्स ग्रोथ अच्छा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि फ्यूचर इसका अच्छा होना चाहिए। तो टेक्निकली अगर एक बार देखने की कोशिश करें तो आज जहाँ अगर मैं इसके टॉप से बोलूँ, टॉप से जो फॉल किया है तो 87.24 जो है इसका एक क्रूशियल लेवल है, अगर ये 87.24 क्रॉस करता है, स्टे करता है, तो ये 99 की ओर जाते हुए आपको 100 की ओर जाते हुए दिखेगा, और अगर 100 क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं आपको 119 के आसपास जाते हुए दिखेगा, ये इसको पिवोटल रिट्रेसमेंट पोर्शन से दिख रहा है। अगर मैं सिंपल इसका वीकली देखूँ, वीकली बेसिस पे चार्ट देखूँ, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉप लॉस जो आपको रखना है 75.68 का रखना है, अगर 75 तोड़ता है तो थोड़ा नीचे जा सकता है, तो जो इसका 200 एमा जो है इसका वो है 75.67, उसको मेंटेन करना है। अगर वो तोड़ता है, ये यहाँ पे ब्रेक किया था तो आप देखेंगे 65 का भी लेवल दिखा दिया है, और अगर लॉन्ग टर्म पोर्शन से कोई होल्डिंग करना चाहते हैं तो 65 रुपीज़ का आप रख लीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए कहीं ना कहीं अगर ये 84.52 क्रॉस करता है तो ये 94 यहाँ पे भी बता रहा है, जो कि इसका होगा 50 का डेमरा, इसको ट्राई करने की कोशिश करेगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि अगर 87.24 क्रॉस करता है तो 99 की ओर जा सकता है। वॉल्यूम की बात करें तो आप कल देखेंगे एक अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है और आज भी वॉल्यूम हो रहा है, कल तो 20 एवरेज को उसको क्रॉस करते हुए वॉल्यूम पॉजिटिव में लिया और आज भी इसको लिया है। फाइनेंशियली अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म पॉइंट से ये आपको हो सकता है वापस से अपने टॉप जो 165 बनाई थी उसकी ओर ज़्यादा आपको दिखेगा। फाइनेंशियली कहीं ख़राब नहीं दिख रहा है ये कंपनी, और ये अच्छा खासा ये अपने 20 जो इसको तो 50 डेज को मेंटेन भी कर रहा था, बट यहाँ पे आके कहीं ना कहीं इसने एक ब्रेक किया है और वहाँ से उसके बाद नीचे फॉल कर रहा है, और आप वापस देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है। तो स्ट्रिक्टली लॉन्ग टर्म के लिए 65 और शॉर्ट टर्म के लिए 75 का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको 99 के लिए ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बाय करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बाय करने पूछने के बाद, जाने के बाद ही बाय करेंगे। मेरा कोई भी इसमें बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी ये है चार्ट पे बनता हुआ ओपिनियन है मेरा। और कहीं ना कहीं ये अगर आप सिंपल इसके फॉल रेशियो से भी देखें तो 96-99 ये जाता हुआ दिख रहा है, और अगर इसको क्रॉस करता है तो शायद आपको 130 की ओर भी जाते हुए आपको दिखेगा ये। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।